नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुरसंगम में। और दोस्तों, टाइटल से आपको समझ में आ ही गया होगा, थाट काफ़ी पर आधारित ये बहुत ही प्यारा ठाकुर जी का ये भजन है। तो अगर थाट काफ़ी की हम बात करें तो गा और नी कोमल इन दोनों का प्रयोग होता है, यानी विकृत स्वर जो हैं गा और नी। सपोज मैं ये पहली काली ले रहा हूँ, सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। राग काफी को सा सा रे रे ग ग म म प ये जो भजन है मुझे बहुत पसंद है। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ, अंतरा से देखते हैं। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाए, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो वो डूब जाएंगे। तो दोस्तों, इस वाला जो पैटर्न है आपको समझ में आ गया होगा। इसी अंदाज में एक सॉन्ग भी, यानी कि इसी अंदाज में नहीं, एक सॉन्ग है उस अंदाज पे ये भजन बना है, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे। तो चलिए, इसमें जैसे मैंने कहा कि थाट काफ़ी का प्रारूप है, साथ ही आप इसमें देखेंगे कि दोनों गा और दोनों नी, यानी गा कोमल का प्रयोग है, नी कोमल का प्रयोग है। तो ये दिखाता है कि हमारा थाट काफ़ी है, लेकिन इस कॉम्पोजिशन के अंदर हम गा शुद्ध का भी और नी शुद्ध का भी प्रयोग दोनों का भी हम करते हैं। तो किस प्रकार से हम उनको एक बार समझेंगे, चलिए। अभी मैं सिर्फ गा कोमल का प्रयोग कर रहा हूं और यहां पर मैं नी शुद्ध और नी कोमल दोनों का प्रयोग करूंगा। आ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भी आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं। तो देखिए, बहुत आसान पैटर्न है, ज्यादा कुछ नहीं, दो पैटर्न अस्थाई के अंदर और एक अंतरा के अंदर, बस थोड़ा बहुत वेरिएट करेगा। चार पैटर्न से आपका ये पूरा भजन कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही शानदार भजन है, जहां कहीं सुनाएंगे बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। पकड़ लो सारे गारे सा हाथ बनवारी, हाथ बनवारी गारे सारे सानी रे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब मगर डूब जाएंगे, मगरे मगरे सनी सा। बस ये पहली लाइन स्लो देखो,
पकड़ लो हाथ बनवारी, हाथ बनवारी रे निसा, हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, अगली लाइन सेम है यहाँ तक। हमारा हमारा पहले किया पकड़ लो, अगले में हमारा हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी गा शुद्ध का प्रयोग है, तुम्हारी लाज जाएगी, गा गा गा। और फिर सा का कर्ण लिया, तुम्हारी लाज जाएगी, गा गा शुद्ध सा मगर मगर सनी सा। वापस देखिए दोनों लाइन, पकड़ लो। अभी इसी चीज को अगर मैं कहूं दोबारा थोड़ा माँ का कर्ण लूं, पकड़ लो, ये मैंने सीधा किया, माँ का कर्ण लूं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अगली लाइन, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी गग समगरे मगरे सनी सा। अंतरा सागा पा लिया, पासे शुरू, पहली बार में पापे खत्म होगा, पासे शुरू होगा। अगली लाइन एक, यानी एक ही लाइन, और वही दूसरी लाइन नीचे आ जाएगी। फिर धरी है पाप की गठरी, धरी है पाप की गठरी, पासे शुरू पापे खत्म। धरी है पाप की गठरी, पापा पा मदा प मगरे मापा, हमारे पासे नी, हमारे पापा नी दपा, हमारे सिर पे ये भारी पानी दपा मगा मापा, धरी है पाप के गठरी, हमारे सर पे ये भारी। और फिर इसी लाइन को, धरी है पाप के गठरी, हमारे सर पे ये भारी, सर पे ये भारी पानी दा पमग पमगरे सा। वापस देखिए, और बस उसी के बाद में फिर वही पैटर्न हो जाएगा जो हमने अस्थाई में किया था। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, सिर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए।
ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के आपने देखा दोनों गा का प्रयोग हम कर रहे हैं, और जब हम आगे जा रहे हैं तो नी शुद्ध का भी प्रयोग हमने नी शुद्ध का प्रयोग वैसे नहीं किया, लेकिन जब हम इसका जो विस्तार दिखाएंगे तो वहाँ पर हम नी शुद्ध दोनों का यानी गा और नी दोनों विकृत और शुद्ध दोनों स्वरों का प्रयोग करेंगे। इसके ऊपर अगर हम देखें तो राग पीलू का पूरा पूरा प्रभाव है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसा लगा प्रयास कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।